मुंबई में वैक्सीन के लिए लंबी कतार देखने को मिल रही है। मुंबई में वैक्सीन की कमी भी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सीमित लोगों को ही वैक्सीनेट किया जा रहा है वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से। तो ये बड़ी खबर मुंबई से है, वैक्सीन की कमी की जानकारी लगातार वहां से सामने आ रही है। हमारे सहयोगी की पंकज मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने के बाद से लेकर अब तक की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार को कोरोना वायरस पर लगाम लगाने में कुछ कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखें तो आज भी कोरोना संक्रमण मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। जिस तरह से दूसरे वेव ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लोगों में जिस तरह का डर बसा हुआ है, ऐसे में लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि अगर कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन ही आपकी मदद कर सकता है। लिहाजा वैक्सीनेशन सेंटर पर सवेरे से ही लोगों की कतार आप देख सकते हैं। इस वक्त हम मुंबई के BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि सवेरे से ही लोग जो हैं वो यहाँ पर इंक्वायरी करने पहुँच जाते हैं कि वैक्सीन है कि नहीं है, किन लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, किन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, वॉक इन आप आ सकते हैं कि नहीं। और देखिए लंबी कतार, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, जिन लोगों को कहा गया है यहाँ पर आने के लिए, उनकी कतार देखिए। और इसी तरह से हर रोज़ मुंबई के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ लगती है, लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं वैक्सीन लेने के लिए। और सबसे बड़ी परेशानी लोगों को तब होती है जब ये पता चलता है कि वैक्सीन सेंटर पर आज वैक्सीन का स्टॉक कम है या फिर बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि कल मुंबई के इस जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर बहुत से लोगों को वापस जाना पड़ा क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक जो है वो समाप्त हो चुका था। आज एक बार फिर से लोगों की उम्मीद है कि यहाँ पर उन्हें वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में आज भी कोरोना संक्रमण के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये लोगों को डराता है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 62,194 कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं, 853 लोगों की मौत हुई है कोविड के कारण। मुंबई की अगर बात करें तो 3,028 कोरोना के कारण लोग पॉजिटिव हुए हैं और 69 लोगों की जान गई है कोविड के कारण। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौत के आंकड़े जो हैं उस पर लगाम नहीं लग रहा है, लोगों में एक डर है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको वैक्सीन मिल जाए। और देखिए किस तरह से जंबो कोविड सेंटर पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि आज वैक्सीन उपलब्ध है कि नहीं है। आप यहाँ पर इंक्वायरी करने आए थे, क्या कह रहे हैं आप? सेकेंड डोज के लिए मैं आया था तो मेरा फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, आज 47 डेज हो गए तो बोला फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले किया हुआ है? हाँ, पहला डोज किया है, देखो फर्स्ट डोज लिया है, सेकंड डोज का आज मेरे को सेकंड डोज का 47 डेज हो गया आज। तो बता रहे हो कि फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए इनको कहा गया है कि फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी, देखिए ये सीनियर सिटीजन्स हैं, ये देखिए ये सीनियर सिटीजन्स हैं जो वैक्सीन की उम्मीद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि कैसे अपॉइंटमेंट लिया जाता है, उन्हें नहीं पता है कि कैसे कोविन ऐप को यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं ये लोग हैं जिनके पास शायद फ़ोन भी नहीं होगा, तो ऐसे लोगों का क्या, ये लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर आप सोचिए कि अगर पढ़े लिखे लोग परेशान हो रहे हैं तो ये जो लोग गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें और ज़्यादा परेशानी हो रही है। पंकज हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, प्रधानमंत्री ने अभी कल ही कहा था कि वैक्सीनेशन की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज, इससे जल्द निपटना होगा सरकारों को। जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन की शॉर्टेज ही महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी परेशानी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद से भले ही कोविड के मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों के मुकाबले, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अन्य राज्यों के मुकाबले आज भी महाराष्ट्र नंबर वन पर है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में आप लॉकडाउन हमेशा के लिए लगा नहीं सकते, तो अगर कोविड पर लगाम लगाना है तो आपको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की मुहिम जो है उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जिस तरह से मुंबई में करीब एक हफ्ते हो चुके हैं, ज़्यादातर सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, 18 से 44 गिने चुने लोगों को वैक्सीन मिल रहा है, जो बुजुर्ग हैं या फिर जो सेकेंड डोज के लिए जो वैक्सीन लेने आ रहे हैं उन्हें लौटा
बढ़ा दिया जा रहा है, और इस तरह की अगर स्थिति रहेगी तो महाराष्ट्र में एक बार फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो शायद परेशानी उसी तरह से होगी, क्योंकि अगर तमाम जो वैज्ञानिक है, तमाम जो रिसर्च है, वो यही कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब वैक्सीनेशन होगा तभी कोरोना पर लगाम लग पाएगा, और अगर महाराष्ट्र में इसी तरह की परेशानी बनी रही तो फिर शायद एक बार फिर से थर्ड वेव आने के बाद इसी तरह के हालात जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार जो है अपनी तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो कर रही है, ऑक्सीजन को लेकर जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं दूर कर लिया गया है, अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार नहीं बना सकती। वैक्सीन का स्टॉक जो है जब तक महाराष्ट्र को नहीं मिलता तब तक महाराष्ट्र कोविड के इस जंग में आगे नहीं बढ़ सकता, और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिल जाए। आपको बता दें कि बीकेसी का जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर करीब आज 7वां दिन है कि आज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, 18 से 44 गिने चुने लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें एक अहम जानकारी कि थर्ड वेव की तैयारी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू कर दी है। वैक्सीनेशन के अलावा जो बाकी चीज़ें वो कर सकते हैं उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जो जानकार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि थर्ड वेव में बच्चों को नुकसान हो सकता है। उनका ये कहना है कि फर्स्ट वेव जब आया था तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र से एक आंकड़े आए हैं पिछले 2 महीनों में। पंकज, मैं इस पर आगे आपसे चर्चा करूंगा 70,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं, लिहाजा थर्ड वेव में उन्हें बचाना सबसे ज्यादा चुनौती भरा होगा।